जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर हमला किया है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर 2024 में ये फिर से वापस आ गए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान कर देंगे, इसलिए खतरनाक स्थिति है। ललन सिंह रविवार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हॉल में बोल रहे थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा कि 1975 के आपातकाल वाले समय से भी आज बदतर स्थिति हो गई है। कोई काम इस देश में नहीं हो रहा है, सिर्फ बात बनाने का काम हो रहा है। इतिहास को कैसे समाप्त किया जाए और एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पर सारे इतिहास को कैसे लिखा जाए, यही काम हो रहा है। ललन सिंह ने कहा कि हजारों करोड़ों रुपए की लागत से नए संसद भवन का निर्माण हुआ, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। देश में पहले से ही संसद भवन मौजूद है और इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। उस महत्व को समाप्त करके नए संसद भवन बनाने की क्या जरूरत थी। ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू के सिपाही हैं तो टीवी मत देखिएगा, हम कभी न्यूज चैनल खोलते ही नहीं हैं। न्यूज मत देखिए, बाकी का काम कीजिएगा। रविवार को जेडीयू व्यवसायिक और उद्योग प्रकोष्ठ और जेडीयू शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है। इसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भारी संख्या में प्रदेश भर के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री विजय कुमार चौधरी के अलावा सांसद कौशलेंद्र कुमार समेत कई नेता मौजूद थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 जुलाई से ही दोनों प्रकोष्ठों का संयुक्त प्रमंडलीय कार्यक्रम हो रहा था, जिसका समापन रविवार को इंटरनेशनल कन्वेंशन में हुआ है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों पर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।